कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश की कृषि उपज मंडियों को हाईटेक व स्मार्ट मंडी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा किसानों की सुविधा और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए खंडवा के मूदी पंधाना व खंडवा की कृषि उपज मंडी में 1-1 करोड़ रुपए की लागत से किसान सभागृह निर्मित किया जाएगा। कमल पटेल ने मंडी परिसर में क्रेता विक्रेता संघ के दीपावली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन किया। इस दौरान कमल पटेल ने कहा कि किसान अन्नदाता तो है ही, साथ ही जीवनदाता भी है। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो पहले किसान को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्होंने कहा किसान समृद्ध होगा तभी व्यापारियों का व्यवसाय चलेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन भी अब किया जाएगा। प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार किसानों के हित में कानूनों में बदलाव कर रही है। मंडी परिसर की खाली जमीन पर किसान मॉल बनवाए जाएंगे, साथ ही मंडी व्यापारियों के गोदाम कोल्ड स्टोरेज भी बनवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान का सम्मान सबसे अधिक जरूरी है। उन्होंने मंडी सचिव को निर्देश दिए कि मंडी के गेट पर किसानों व व्यापारियों का तिलक लगाकर सम्मान करने का कार्य आरंभ किया जाएगा। साफा पहना के जैसे फाइव स्टार होटल में जाते हैं तो गेट खोलता नहीं खोलता, गाड़ी का हाथ जोड़ता है, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहे, चंदन के तिलक रखे, उनको चंदन का किसान को भी तिलक लगाए क्योंकि वो अन्नदाता जीवनदाता है। और ये व्यापारी भी हमारे सम्मानी जो अन्न खरीदते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो किसान क्या करेगा। इनको भी चंदन लगा के इनका सम्मान करें हर दिन, ताकि व्यापारी का भी सम्मान बढ़े, किसान का भी सम्मान बढ़े और हमारी मंडी की विश्वसनीयता बढ़े। और वाकई में मंडी जो है ये किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में, प्रदेश की जनता के हित में और देश के हित में रहे, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके ये व्यवस्था मैं चाहता हूँ, और इसमें किसी ने ढिलाई की तो वो यहाँ रहेगा नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।